देखिए पीएफसी आरएसी जो पीएसयू पैक है सीपीएससी पैक है, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव दिखा सकता है। मेरे को लगता है कि अगर जो मैं पीएफसी आरईसी इन पर्टिकुलर बात करूँ तो मेरे को आरईसी बेटर प्लेस्ड लगता है। इसमें जो एक शार्प रन के बाद कंसोलिडेशन हुआ था, बेस बना है और ये नेक्स्ट लेग ऑफ द अपमूव के लिए अभी रेडी हो रहा है या तो इनफैक्ट स्टार्ट हो चुका है। तो जो 567 से लेके 575 तक का लेवल्स ये स्टॉक छू सकता है, इसके लिए बिटवीन पीएफसी एंड आरएसी मेरे को लगता है आरएसी बेटर बेट है। इसमें स्टॉप लॉस 517 का मैं सजेस्ट करना चाहूंगा लॉन्ग साइड की तरफ के ट्रेड्स के लिए। तो लॉन्ग साइड पे आप इसको भी देख सकते हैं। एक चोलामंडलम फाइनेंस और देखिए, क्योंकि आज ये भी अच्छी तेज़ी में दिखा रहा है, और जिस तरह से एनबीएफसी में अपमूव है उसी तरह का अपमूव यहाँ पर भी कैरी हो रहा है। 2-2.5% की तेज़ी है, डे हाई के आसपास है, यहाँ क्या करें? देखिए चोला फाइनेंस की बात करूँ तो चोला फाइनेंस में ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन एक हफ्ते से इसमें थोड़ा करेक्शन देखने मिला है फ्रॉम दी लेवल्स ऑफ 1340 to 1220। लेकिन ये करेक्शन है जो प्रीवियस अपमूव का करेक्शन है 20 डे के आसपास आके ये कंटिन्यूअसली एक बाइंग मोमेंटम दिखा रहा है, या तो 20 डीए में बुल्स डिफेंड कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो लेवल है 1220 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मेरे को लगता है जब तक ये होल्ड करता है इसमें एक फ्रेश लेग ऑफ अपमूव बनने की बहुत अच्छी गुंजाइश है, जो 1340 1360 के लेवल्स तक तो ये स्टॉक को लेके जा सकता है। इसके लिए 1220 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग किया जा सकता है 1340 1360 के टारगेट्स के लिए। और चीज़ ये कमिंस को और देखिए, क्योंकि अभी मैं बात कर रहा था आपसे कैपिटल गुड स्पेस की, तो उसमें ये एक स्टॉक और है जहाँ पर आज एक अच्छे लॉन्ग बन रहे हैं डेरिवेटिव साइड पर, 1.5% के आसपास की तेज़ी है, और इसी अंडरलाइंग स्टोरी को रीड भी कर रहा है ये, इसमें क्या करें? देखिए क्यूमिंस की अगर जो बात करूँ तो 3700 के स्ट्राइक पे 1 लाख शेयर्स इन ओपन इंटरेस्ट है, और उसके बाद इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स 3800 के स्ट्राइक पे ओपन है। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इसमें कोई शॉर्ट स्क्वीज हो सकता है। अगर जो ऑप्शन कॉल राइटर्स की बात करूँ तो मेरे को लगता है दे विल हैव टू रन फॉर कवर, क्योंकि मेरे को लगता है कि ट्रेंड जो है क्यूमिंस का बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मेरे को लगता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 4000 तक के लेवल्स भी ये छू सकता है। इसके लिए लॉन्ग साइड की तरफ ही ट्रेड लेने की सलाह रहेगी। इसमें अगर जो मैं ट्रेंड देखूँ तो पिछले चार चार दिनों से ये प्रीवियस लो को भी टच नहीं करने गया है, तो इसके लिए ट्रेंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और ऑप्शंस के डेटा भी सजेस्ट कर रहे हैं कि इसमें जो कॉल राइटर्स है वो अनवाइंड करने आ सकते हैं। इसके लिए लॉन्ग की ही सलाह रहेगी 4000 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस में आज का डे लो 3650 का सजेस्ट करना चाहूंगा। ओके, चलिए जतिन, आगे भी आपसे बातचीत आगे भी जारी रखूंगा, लेकिन